आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग की जो लास्ट मीटिंग है बहुत ही शानदार रही होगी और आप सभी लोगों ने अपने जो नेक्स्ट रैंक है उसे पाने के लिए बहुत सारी जो दूरी है उसे तय की होगी। आज गुरुवार का दिन है और आज आप सभी लोग के कमेंट बॉक्स में पूछे गए सवालों के जवाब इस ट्यूटोरियल में दिए जाते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं कि आपने क्या सवाल पूछे हैं और क्या उसके जवाब होने चाहिए। तो चलते ट्यूटोरियल की तरफ, जानते हैं पूरे प्रोसेस को। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सेफ शॉप में जो ज्वाइनिंग होती है, लोगों को रजिस्ट्रेशन होता है, पेमेंट होता है, वो क्या है कि हम लोगों के घर जा कर के भी करते हैं और डायरेक्ट हम अपने घर बुला कर के भी कर लेते हैं। अब क्या है कि एक नया सिस्टम डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि सेफ शॉप का जो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उन्होंने डिसीजन लिया है कि हम डायरेक्ट कहीं पर भी बैठ करके किसी भी व्यक्ति को किसी भी शहर में ज्वाइन करा सकते हैं, डायरेक्ट उस व्यक्ति को URL भेज करके, लिंक भेज करके। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वाले ट्यूटोरियल को जो है देख सकते हैं, देख करके यहाँ से आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं आज के आपके सवालों के, जो आपने सवाल पूछे हैं। तो जो सबसे पहला जो सवाल पूछा है वो इंदु चौधरी मैम ने पूछा है और इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में मैम ने बातचीत किया है और मैम बोल रही हैं कि रेट ज़्यादा है और बिजनेस वॉल्यूम कम है, सेल करने में थोड़ा सा समस्या होती है। तो बिल्कुल इंदु मैम, आपकी जो बात है उससे हम भी सहमत हैं कि एक आम आदमी को जब आप परचेस कराती हैं या उसके बारे में बताती हैं तो उसे लगता है कि रेट कम है, क्योंकि उसने जो प्रोडक्ट देखा होता है वो आम मार्केट में देखा होता है और वह जो आम मार्केट में सामान देखा रहता है वहाँ पर सामान सस्ता भी मिलता है, लोकल भी सामान मिलता है और ब्रांड का भी सामान होता है। लेकिन ये है कि मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे बिज़नेस करने का कोई जरिया नहीं होता है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो रेट है, इस रेट के फोबियों से अगर आप बचना चाहते हैं, आप ही नहीं कोई भी अगर बचना चाहता है, तो रेट के फोबियों से बचने का एक ही तरीका है, एक ही इलाज है कि आप प्रॉपर तरीके से उसे सिस्टमेटिक वे में उसे पूरा प्लान पहले बताइए। प्लान बताने के बाद से प्लान को बताने के तरीके में जब आपका इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा, तरीका बेहतर रहेगा, तो जो प्रोडक्ट का जो रेट है उसे माइनर लगेगा। तो मैं बस इतना कहूँगा कि इस जो रेट वाला फोबियो है इससे बचने के लिए आप प्लान पूरा दिखाइए, बेहतर तरीके से दिखाइए, उसको बिजनेस के अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए, इसके फ्यूचर के बारे में बताइए। तो जो प्लान, जो प्रोडक्ट का जो रेट है वो उसे माइनर लगने लगेगा और उसे ये भी बताना है कि ये ऑप्शनल है, इसे आप जो है ये कोई बर्डन नहीं, आप कोई दूसरा भी प्रोडक्ट इसमें का ले सकते हैं। मार्केट में आप देखेंगे तो वहाँ पे इनवाइस नहीं मिलता, बिल वाउचर नहीं मिलता, GST नहीं मिलता, यहाँ पे आपको पक्का बिल मिलता है, जहाँ पर भी आप चाहेंगे वहाँ पे आपको ऑर्डर मिल जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बता करके जो प्रोडक्ट का जो रेट है आप उसे माइनर कर सकते हैं, अपने प्लान को अप कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। इस पर मैं सेपरेट ट्यूटोरियल बना दूंगा कि रेट के फोबियों से बचने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी बातें बताना रहता है प्रॉस्पेक्ट से या बायर से। इसके बाद से यूज़र SV9V69V6C करके एक यूज़र है, बड़ा टफ नाम है सर का, मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, आप देख लीजिएगा। इन्होंने पूछा है कि आप मुझे ग्रुप में ऐड कर लीजिए, इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में सर ने बातचीत किया है। तो सर बिल्कुल आपको ग्रुप में ऐड मैं कर सकता हूँ, लेकिन ग्रुप में ऐड होने का नियम यही है कि आप उसकी सदस्यता हासिल कर सकें। अगर आप किसी के भी ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं सेफ शॉप में, तो वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग होनी ज़रूरी है। जहाँ पर भी आप ज्वाइनिंग होते हैं, जिस भी लीडर के नीचे ज्वाइन होते हैं या साथ में ज्वाइन होते हैं, माफ़ कीजिएगा, नीचे कोई नहीं ज्वाइन होता है, सब साथ में ज्वाइन होते हैं, तो उस जो आपके जो लीडर है उनका ग्रुप होता है, उस ग्रुप में आप ऐड होते हैं। पहले आपको अगर ऐड कर दिया जाएगा तो उसके बहुत सारे खतरे हैं, बहुत सारे नुकसान हैं, बहुत सारे लोगों ने भुगता है, मैंने भी इसका भुगता है। आपका डेटा, आपके जितने भी लीडर्स हैं उनका डेटा उस अनजान व्यक्ति के पास चला जाता है। और अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया है, अगर आपने सदस्यता हासिल कर ली है, शॉपिंग कर ली है, तो आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, वहाँ की एक्टिविटी के बारे में जान सकते हैं। बिफोर शॉपिंग या बिफोर ज्वाइनिंग आप अभी एलिजिबल नहीं हैं कि ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाए। इसके बाद से एक और साथी हैं HQ Poonam 8151 करके हैं और इस वाले ट्यूटोरियल के परिपेक्ष में बातचीत करते हैं और ये पूछते हैं कि सर मैं अपना URL भेजूं
तो डायरेक्ट मेरी रेफरेंस में आईडी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो देखिए मैम, आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा या ऐसे मैं कहना चाहूँगा, आपका सवाल बहुत जेन्युइन है, कभी भी आपकी आईडी या किसी की भी आईडी का तो मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि जिस आईडी को खोल करके आप यूआरएल कॉपी करके उसे आप पेस्ट करके भेजेंगे, उसी आईडी के, उसी यूआरएल की आईडी जो है उसी के लेफ्ट में या राइट में जहाँ पर भी प्लेस एम्प्टी होगा वहाँ पे वो रिप्ले, वहाँ पे वो ज्वाइनिंग हो जाएगी। जो कोई भी वहाँ पे, मेरी आईडी या आपकी आईडी से कोई लेना देना नहीं है। फिर से दोबारा सुन लीजिए, जिस भी आईडी को खोल करके जो यूआरएल आप कॉपी करके व्हाट्सअप करेंगी, जो आप जो है पेस्ट करेंगी, उस आईडी को, उस यूआरएल को जो भी आदमी टच करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, उसी यूआरएल की आईडी के लेफ्ट में या राइट में जहाँ पे भी जगह खाली होगी वहाँ प्लेस हो जाएगी। ठीक है, उसमें आपका है कि नहीं है मैं अभी ये कह दूँ नहीं आपकी, तो फिर आप बाद में मेरे से कहेंगे सर मेरे नीचे तो हुआ ही नहीं। तो आपके या मेरे में कोई नहीं है, जहाँ पर वो जिसका यूआरएल है उसी के लेफ्ट में या राइट में होगा। इसके बाद से यशोदा मालवी 4339 करके एक आईडी है, इन्होंने पूछा है कि इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है और बोला है कि आईडी में फ़ोन नंबर अपना ही होना ज़रूरी है। तो बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है कि आईडी में क्या फ़ोन नंबर आपका ही होना ज़रूरी है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपका होना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है ये तो कम बात है, बड़ी बात यह है कि जो भी आईडी में, जिसकी भी आईडी में जो भी नंबर रहे वो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति का रहे और आंसरेबल व्यक्ति का रहे। मान लीजिए मेरी आईडी है, मेरा ही नंबर है और आईडी पे वो नंबर चालू नहीं है या वो नंबर का कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं करता, फ़ोन नहीं उठाता, तो वो आईडी का होना या नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि जो भी नंबर रहे वो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति का रहे और आंसरेबल व्यक्ति का रहे। इसके बाद से नेक्स्ट जो सवाल पूछा है वो दीपक ध्रुवे 683 करके एक साथी हैं, उन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है और इन्होंने कहा कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। तो बिल्कुल आपका स्वागत है सेफ्स ऑफ इंडिया परिवार में, और आप जिस भी शहर में, उस शहर को मेंशन करें। आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, फेसबुक पे भी जा सकते हैं और यूट्यूब पे भी आप कमेंट करके शहर का नाम लिख सकते हैं। आप वहाँ पे पता करें सेफ्स ऑफ में जो लीडर्स हैं कौन से लीडर हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और उनसे संपर्क करके आप उसी शहर में ज्वाइन हो सकते हैं। मेरे साथ ज्वाइन अगर करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करें, मेरे व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे आपको ज़रूर मदद मिलेगी। इसके बाद से एक और साथी हैं यूज़र S1 करके, और इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में सर बातचीत करते हैं और सर कहते हैं कि डायमंड बनने पर रैंक इनकम कितनी आती है। तो मित्र मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि सवाल आपका बहुत ही ज़रूरी है, इस पर एक ट्यूटोरियल अलग से बनेगा। और रैंक इनकम कितनी आती है ये तो आप जानते हैं कि पूरे कंपनी के टर्नओवर पे ही रैंक इनकम जनरेट होती है, तो घटती बढ़ती है। एस्टिमेटेड रैंक इनकम क्या है ये मैं नेक्स्ट वीक ट्यूटोरियल में ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा आप सभी लोगों को। तो ये इस वीक का सवाल और जवाब था, आप सभी लोगों के द्वारा कुछ सवाल पूछे गए थे, मैंने इस ट्यूटोरियल में उसे शॉर्टलिस्ट करके जो ज़रूरी थे उन्हें आपके बीच में शामिल करने की मैंने कोशिश की है। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग के मन में कोई सवाल हो तो आप उसे इस ट्यूटोरियल में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं उन सवालों को पिक जरूर करूँगा। इसके बाद से मैं दोस्तों आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे फेसबुक पेज DS मानवेंद्र सेफ शॉप पे अगर आपने अभी उसे फॉलो नहीं किया है तो जाके उसे प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि यूट्यूब के टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे हैं कि कुछ जानकारी मैं यहाँ पर नहीं शेयर कर सकता, लेकिन फेसबुक पर मैं ज़रूर शेयर कर सकता हूँ। आप उसे प्लीज़ फॉलो कर ले जाके। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।